एक तरफ जहां इसराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है, तो वहीं अब ईरान भी इसराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान की ओर से की जाने वाली किसी भी संभावित कार्रवाई को लेकर ईरान ने कड़ा रुख दिखाया। रूस और यूक्रेन के बीच बीते दो वर्षों से भी अधिक समय से लगातार जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस बीच रूस की तरफ से किए गए ताजा मिसाइल और ड्रोन हमले में यूक्रेन के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्रों में से एक तबाह हो गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मालेगांव में 42, नांदियाल में 41.4, तिरुपतूर में 41.8, भुज में 41.2 और प्रयागराज में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने गुरुवार को मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उन्हें ना तो धमकी दे सकते हैं और ना वापस भेज सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस नेता के पूर्वजों की रियासत नहीं है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के रूप में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर विवाद शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंदिर में पुजारी के रूप में पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश देने वाले अधिकारी के निलंबन की मांग करते हुए इस कृत्य की निंदा की। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह बड़ा खुलासा कर सकती हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह इसी साजिश का खुलासा कर सकती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। माढ़ा लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। धैर्यशील ने अपना इस्तीफा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार धैर्यशील मोहिते शरद पवार गुट के एनसीपी के संपर्क में है। मध्य प्रदेश के गुना में एक कार ने दो बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक कार के आगे काफी दूर तक घिसटती चली गई, वहीं दूसरी बाइक टक्कर के बाद काफी ऊपर उछलकर 200 मीटर दूर जा गिरा। इस हादसे में बाइक पर सवार दो बीजेपी नेताओं की मौत हो गई है। 20 साल बाद साथ दिखे मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी। वायरल वीडियो ने मचाई खलबली। मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी ने थ्रिलर फिल्म मर्डर के 20 साल बाद फिर से साथ नजर आए। इंटरनेट पर मल्लिका और इमरान की इस नई वीडियो ने तहलका मचा दिया, जो आनंद पंडित की बेटी की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी का है। आईपीएल 2024 आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से 24 गेंदों में 38 रनों की पारी देखने को मिली, जिसमें 3 चौकों के साथ 3 छक्के भी शामिल थे। रोहित ने इस दौरान टी20 क्रिकेट में वानखेड़े स्टेडियम में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए।